नेशनल ऑटोमोबाइल्स मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं। स्कूल में क्यों कर रहा है? किसने बोला था भेजने को? किसने बोला है? क्या कमियां पाई गई है? आज नगर निगम में सभी जोन प्रभारी और जो सभी वार्ड जमादार हैं उनकी बैठक ली, क्योंकि कहीं ना कहीं शहर में स्वच्छता को लेकर हर जगह दिक्कत आती है। सभी पार्षद भी परेशान होते हैं, एमआईसी कदर की भी परेशान होते हैं। तो आज उनको निर्देशित किया है कि आप सफाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करें, और अब सारी टीम एमआईसी सदस्यों की भी निकलेगी और उनके लिए कार्ड बनवाने का बोला है कि उसमें उनका कार्ड पे उनका फ़ोटो नंबर हो, जिससे उस वार्ड के पार्षद को जानकारी हो, स्थानीय लोगों को जानकारी हो कि ये व्यक्ति हमारे वार्ड का कर्मचारी है। तो उससे व्यक्ति को चिन्हित भी किया जा सकेगा और जब ये लोग काम करते हुए जगह पर नहीं मिलेंगे तो उनके उसमें कार्रवाई भी कर सकते हैं। और सभी उसको अब सक्रियता से उसके लिए जुटेंगे और शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सभी लोग एकजुट होकर काम करेंगे। जो है अभी तक कितनी बाकी है? देखिए, नालों की सफाई चल रही है और यथासंभव प्रयास है कि जल्द से जल्द उन सफाइयों को पूरा किया जा सके। हम लोग अभी देखने भी गए थे 2 दिन पहले, तब भी कुछ निर्देशित किया था, तो उनका भी काम चल रहा है और जहाँ भी जो दिक्कत आ रही है उनको व्यवस्थित साफ कराने का काम चल रहा है। सबसे बड़ा मसला है नालों पर अतिक्रमण का है, लगातार प्रकाशित हो रही है खबरें, उसके बावजूद भी नालों पर से अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। देखिए, नालों पर अतिक्रमण करने वाले भी आप और हम भी हैं, कोई बाहर से आके नहीं करता है। जब आप सफाई की उम्मीद रखते हैं तो थोड़ा सा नगर निगम को, आम जनता को भी नगर निगम का सहयोग करना चाहिए। आप अतिक्रमण करते हैं उसके बाद उम्मीद करते हैं कि नालियां साफ नहीं हो रही, जो अब भी यहाँ जमादारों की सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि नालियों पर अतिक्रमण है, उसके बाद वो सफाइयाँ कहाँ से करें। तो थोड़ा सा यदि सभी लोग सहयोग करें तो क्यों नहीं सफाई अच्छे से हो सकती है। सहयोग की बजाय कार्रवाई अगर हो, कार्रवाई करने के लिए तो ना, अब भी उनको कोई बोला है कि जहाँ से आपको जहाँ आपको दिक्कत आ रही है या जहाँ घरों में अतिक्रमण कर रखा है तो आप उसकी लिखित में सूचना दें और निश्चित उस पर कार्रवाई करेंगे। नेशनल ऑटोमोबाइल्स मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं।